अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोगों को कुकिंग विद नाज़री की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और उम्मीद है कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। ये बहुत अचानक वाली ईद थी क्योंकि बहुत लेट नाइट इसकी अनाउंसमेंट की गई थी ईद की, तो तैयारियां भी सही तरह से नहीं हो सकें, लेकिन जैसी भी थी शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ने हमें ये ईद नसीब की। हमारे रोज़ों के बदले में अल्लाह ताला ने हमें ये अजर दिया और ये तमाम रोज़ेदारों के लिए एक अल्लाह की तरफ से इनाम है ईद की सूरत में, जो हमें मुसलमानों को अल्लाह ताला ने अता किया है। तो आप सब लोगों को कुकिंग विद नाज़री की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और आई होप कि आप लोगों की जो सी ईद है वो बहुत अच्छी गुजरी होगी। और आप लोगों ने किस तरह सेलिब्रेट किया, क्या क्या बनाया, क्या एक्टिविटीज़ थी, क्योंकि लॉकडाउन में से कहीं बाहर तो जा आ सकते नहीं थे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने किस तरह ईद मनाई, मतलब कहीं आए गए, कोई आया आप लोगों के घर या कहीं आप लोग गए, तो आप लोग हमें ज़रूर बताएं। और हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को विश करें, ईद की मुबारकबाद दें। आप लोग सब हमारे यूट्यूब के बहन भाई हैं और आप लोगों को ईद मुबारक कहना तो बनता है, इसलिए आज हमें छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की ताकि आप लोगों को हम लोग ईद मुबारक कह सकें। वंस अगेन ईद मुबारक टू ऑल। तो व्यूअर्स, ईद की मुबारकबाद तो हो गई है, लेकिन अब मुझे थोड़ी सी भूख फील हो रही है, तो अब चलते हैं अंदर और मम्मा से पूछते हैं कि हल्की फुल्की भूख के लिए हल्का फुल्का सा उन्होंने क्या बनाया है और वो हमें हल्का फुल्का सा खाने के लिए क्या देंगे। तो चलते हैं मम्मा की तरफ। जी तो व्यूअर्स, अब आ गए हैं हम मम्मा की तरफ। और मम्मा, अब आप अपने बहन भाइयों से इस्लाम दुआ ले लें, आप उनको ईद का पैगाम दे दें, ईद मुबारक कह दें आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको ऐसी ईदें हज़ारों देखनी नसीब करें, अपनी फैमिली के साथ अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तंदरुस्ती दे, ऐसे मौके हमारी ज़िंदगी में बार बार खुशियों के अल्लाह ताला लाए, जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें सेहत ज़िंदगी दे। ठीक है, अच्छा जी, ये तो होगी दुआएँ। तो मम्मा ज़रा मुझे ये बताएं, ये मज़ेदार सा जो सा केक है ये कहाँ से आया है? खुद ही जान लो, मैंने भी तो नहीं पता। मुझे लगता है कि ये वाला जो सा केक है ना, ये यहाँ से ओपन होगा, ये लेके आई है जी वो मेरी आंटी, जिनको हम लोग वहाँ से गिफ्ट के लिए हम लोग खरीद के लेकर आए थे। हाँ, मेरी दोस्त। ठीक है, अब इसको ऐसे खोलें आप। वो मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आई है। अच्छा, गिफ्ट भी लेके आई है, मतलब सिर्फ केक नहीं लेकर आई, वो गिफ्ट भी लेकर आई है। अच्छा जी, तो ईद पर आया है ये केक, ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा, वाव, मेरी पसंद का केक लेकर आई हैं आंटी। आपके लिए भी गिफ्ट लेंगी हम वो। अच्छा, मेरे लिए भी गिफ्ट लेके आई है, मुझे पता नहीं, देखिए पर गार्निशिंग भी की हुई है, कितना मजे का यम्मी यम्मी सा केक है। मैं भी तो देख के आई थी ना उन्हें। हाँ, हम लोग आ जाइए ईद मिलने। अच्छा, मैं मतलब पहले मिलाई थी ना उसे उन्हें। हाँ अच्छा, तो मतलब ये केक जो है वो हमारी आंटी देकर गई हैं। हाँ। और ये बाकी यहाँ पे हल्के फुल्के नगेट्स हैं, चिप्स हैं और कोक है। हाँ। तो ये केक को काटना है हम लोगों ने, कि मतलब कैसे अब हम लोग, मुझे छोटी सी वीडियो हमने रिकॉर्ड कर ली है। हाँ। तो भी बस हल्की फुल्की भूख के लिए ये केक हमारे घर आया हुआ है, क्योंकि ईद है तो आपको पता है जब ईद पे मिलने के लिए आते तो खाली हाथ नहीं आया जाता, और इसीलिए जो मेरी आंटी है वो यहाँ पर केक लेकर आई है हमारे घर। और तो हमारे घर पड़ा भी था पहले भी, मिठाई भी पड़ी थी, क्योंकि ईद पे आप लोगों को पता है घर में चीजें तो मौजूद होती हैं, केक और मिठाई बहुत ही मजे का केक है। अब बच्चे कह रहे थे भूख लगी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा सा ना खा लो। ठीक है, तो अब हम लोग ये केक को खाते हैं। तो मम्मा फिर अपने व्यूअर्स हम लोग ले लेते हैं इजाजत, क्योंकि ईद की मुबारकबाद दे दी है हम लोगों ने, और हम लोग खाना शुरू करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और पापा को बुला लेते हैं। तो व्यूअर्स, लेते हैं आप लोगों से इजाजत, क्योंकि मज़ेदार सा केक देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे खाने की, मेरा फेवरेट केक है ये। तो व्यूअर्स, आप लोग अपनी ईद को एंजॉय करो, हमें दुआओं में याद रखें। तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।